आज से बेगूसराय के 700 कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में आज कार्यपालक सहायकों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया। कार्यपालक सहायकों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए 60 साल की उम्र तक सेवा का अवसर दिया जाए, साथ ही साथ उनके लंबित मानदेय का भी भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। कार्यपालक सहायकों की हड़ताल की वजह से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आने वाले दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालक सहायकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार के द्वारा इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे तथा आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजसंवाद, बेगूसराय। अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग का 8 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें शासी परिषद के द्वारा जो तुलकी फरमान जारी किया गया कार्यपालक सहायकों के विरुद्ध, सबसे प्रथम तो उसको खारिज किया जाए, उसके बाद कार्यपालक सहायकों को 60 साल का नियमित सेवा किया जाए, सबों को संविदा खत्म करके PSKL लागू किया जाए, और साथ ही जो भी अन्य भत्ता देय है कार्यपालक सहायकों जो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसा की गई है उसको अक्षरशः लागू किया जाए। अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाए, हम निश्चित काल के लिए यहाँ पर धरना पर बैठेंगे। हम लोग टोटल बेगूसराय में जिला में 700 हैं कार्यपालक सहायक।